Hello students, so today we will see a very important topic of chapter number 4 and the name of topic is what? Moving coil galvanometer. What is the name of topic? Moving coil galvanometer. Okay, so in this topic we will cover number of points like what is galvanometer, what is the principle of galvanometer, theory and working of galvanometer and many other topics. Okay, so पहले तो हम ये समझते हैं ये topic, ये device क्या है. तो एक device की बात कर लेते हैं, तो लिखेंगे it is a device which is used to measure very small amount of current, or we can say it is a device which is used to sense very small amount of current. Presence हम check करने के लिए use करते हैं. अब आप कहेंगे sir galvanometer से अगर हम current measure करेंगे तो ammeter क्या होगा? एमीटर से हम बहुत अमाउंट में करंट मेजर करते हैं और गैल्वेनोमीटर से सिर्फ सेंस करते हैं. सो दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. सेकंड पॉइंट, ये इंट्रोडक्शन हम इसको नेम दे देते हैं या जनरल हमने लिख लिया. अब हमें क्या देखना है? डायग्राम और डिस्क्रिप्शन. डायग्राम, तो डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है. एक्चुअली जो हम फिजिक्स लैब में गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं दैट दिस इज नोन एज अ वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर, और नाउ प्रेजेंट टाइम में हम उसको वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर को ही यूज कर रहे हैं. वेस्टर्न नॉट वेस्टर्न, वेस्टर्न. ओके, तो यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया है और ये जो डायग्राम है ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का है. तो पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा ले लेते हैं. तो ये सेकंड हमारा डायग्राम एंड डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा. देखिए यहां पर एक हैंगर है और ये हैंगर से एक फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का वायर हैंग होता है. ओके, इससे एक कॉइल बनती है. ये कॉइल इस टाइप से कॉइल बनी हुई है, ये देखिएगा कॉइल, और ये कॉइल से एक स्प्रिंग बना हुआ है. ये देखिएगा स्प्रिंग, और स्प्रिंग को यहाँ पर एक टर्मिनल सेकंड है उससे कनेक्ट किया है, और ये जो वायर है थिन वायर है इसी को हमने क्या किया, एक अनदर टर्मिनल से कनेक्ट किया है. यस, जब हम ये टर्मिनल वन की हेल्प से करंट फ्लो करवाते हैं किसमें, इस वायर में, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का वायर क्यों लिया है इसका भी हमारा फिजिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत लॉजिक है इसके पीछे. तो ये करंट ऐसे जाता है, ऐसे जाता है. अब ये जैसे ही करंट जाता है तो क्या होता है इसमें, कॉइल में डिफ्लेक्शन होता है, और ये क्यों डिफ्लेक्शन होगा वो हम प्रिंसिपल में हम देख लेंगे. तो जनरल अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में हमने एक वैक्यूम चेंबर ले लीजिएगा, उसमें टू टर्मिनल्स होते हैं T1 and T2 आर टर्मिनल्स. आप देखेंगे किसी भी डिवाइस में जो एमिटर हो या वोल्टमीटर हो उसमें टू टर्मिनल्स लेते हैं T1 and T2. ये जो वायर है ये किससे बनाते हैं हम, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप से बनाते हैं. यहाँ पर हमने टू सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स लिए, हॉर्सशू मैग्नेट्स ली हुई हैं, या हॉर्सशू मैग्नेट ली हुई हैं जिसमें वन साइड नॉर्थ है अनदर साइड साउथ पोल है. ऐसा क्यों मैग्नेट्स लेते हैं, हमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करनी होती है, और वो कैसी मैग्नेटिक फील्ड करनी होती है, दैट इज वॉट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसके बारे में हम शॉर्ट टॉपिक देख लेंगे क्या है ये. ओके, इसमें हमने एक सॉफ्ट आयरन का एक सिलेंडर लिया, सॉफ्ट आयरन कोर का एक सिलेंडर लिया हुआ है, ये देखिएगा. ठीक है, तो यहां लिख देता हूं सॉफ्ट आयरन कोर. क्लियर बच्चों? ओके, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड. यहां पर ये कॉइल है और कॉइल पर नंबर ऑफ टर्न्स है. आप ध्यान रखें कि कॉइल कैसी होने चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए. इंसुलेटेड का मींस क्या, हम नेकेड वायर ना होकर उस वायर पर इंसुलेशन होना चाहिए. सो क्लियर बच्चों, डायग्राम का क्लियर हो गया. ये बेस है और ये पूरे वैक्यूम में हमने इसको कवर करके रखा है. तो ये डायग्राम सफिशियंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, और अगर इसमें वैसे मैंने सारी थिंग्स बता दी है, ये बेस है और ये मैग्नेटिक फील्ड और ये कॉइल, सिंपल सा एक इसका प्रिंसिपल क्या है वो हम समझ लेंगे. तो ये आपका क्या हो गया, डायग्राम का क्लियर हो गया, डायग्राम एंड डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रिंसिपल. ओके, प्रिंसिपल इसका क्या है, तो बहुत सिंपल सा है. व्हेन एनी करेंट
कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन दैट लूप एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। देखिए हमें पता है जब हम किसी करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और टॉर्क के कारण वो लूप क्या करेगा, वो एक नीडल होगी, वो नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगा। एंड डिफ्लेक्शन विल डिपेंड ऑन करेंट पासिंग थ्रू लूप। देखिएगा इसमें जो जो करंट हम जितना अमाउंट करंट यहां पर करेंगे वही उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उस नीडल में, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, करंट पर डिपेंड करेगा। इट मीन्स करंट इज डिक्रीजिंग सो डिफ्लेक्शन इन नीडल ऑल्सो विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। ये ध्यान रखिए अगर करंट डिक्रीजिंग होगा तो डिफ्लेक्शन जो नीडल, इसमें नीडल भी यूज होंगी अगर आप डिवाइस देखेंगे। ओके सो इफ करंट इज इंक्रीजिंग सो डिफ्लेक्शन ऑल्सो विल इंक्रीज एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और जस्ट वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर विच इज जस्ट यूज इन फिजिक्स लैब। तो ये क्लियर है बच्चों, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ओके सो इंट्रोडक्शन डायग्राम प्रिंसिपल, अब देखते हैं थ्योरी एंड वर्किंग। ओके नेक्स्ट थ्योरी एंड वर्किंग, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखेंगे थ्योरी ऑब्लिक वर्किंग। ओके देखिएगा थ्योरी एंड वर्किंग को समझे, व्हेन करंट लूप placed in magnetic field okay magnetic field then that loop current loop experiences a torque और उस टॉर्क को हम बोलेंगे क्या, अप्लाइड टॉर्क। ठीक है एंड दिस इज नथिंग बट, इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा एंड दिस इज व्हाट BINA साइन थीटा। ठीक है बच्चों इसमें B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। I क्या है इसमें, अप्लाइड करंट, राइट। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ये लिखा ही है, और ए क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल। क्लियर है। ओके अब ये अप्लाइड टॉर्क के कारण यहां पर देखिएगा एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ये स्प्रिंग क्या करता है, एक रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट करता है। ड्यू टू दिस टॉर्क स्प्रिंग ऑल्सो क्रिएट अ टॉर्क नोन एज रिस्टोरिंग टॉर्क। देखिए रिस्टोरिंग टॉर्क होगा रिस्टोरिंग, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिफ्लेक्शन के। यहां पर फाई क्या ले रहे हैं हम, डिफ्लेक्शन, कोई ना कोई एंगल से ये डिफ्लेक्शन होगा तो इसको हम फाई ले लेते हैं डिफ्लेक्शन। ओके रिस्टोरिंग है ये, यहां पर रिस्टोरिंग, और यहां पर कोई कांस्टेंट लिखना होगा तो के लिखा एंड दिस इज व्हाट फाई, के इज हियर। देखिए वायर में ट्विस्ट आएगा और ट्विस्ट के कारण वो क्या होगा, एक टॉर्क क्रिएट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है तो फाई क्या है, फाई तो यहां हमने लिख लिया, के क्या है यहां पर,
टॉर्जन कांस्टेंट। देखिए टॉर्जन को आपको थोड़ा 11th में जाना पड़ेगा, टॉर्जन क्या होता है तो हम उसके बारे में डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना समझते हैं। सो दिस इज वन अप्लाइड टॉर्क एंड दिस इज रिस्टोरिंग टॉर्क। क्लियर? ओके, इरेज कर दूं इतना। राइट, एट इक्विलिब्रियम बताइए क्या होगा? दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे, टाउ अप्लाइड इज इक्वल टू टाउ रिस्टोरिंग। ठीक है, अप्लाइड क्या होगा? बी आई एन ए साइन थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा? के फाइ। ठीक है बच्चों, ओके ठीक है। अब देखिएगा रिमेनिंग क्वांटिटीज को हम अदर साइड ले जाते हैं, सिर्फ यहाँ क्या रहने देते हैं, आई आई यहाँ पर रहने दिया, तो ये क्या जाएगा? के अपॉन में बी एन ए साइन थीटा एंड यहां पर क्या जाएगा? फाइव। यस, ओके। देखिएगा अब हमें क्या करना होता है, मैग्नेटिक फील्ड रेडियल बनाना होता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मैंने आपको बता दिया, अलग से एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा उस पर। तो ये साइन थीटा फैक्टर शुड बी नेग्लिजिबल, क्योंकि अगर ये मिनिमम हो, ये अगर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, मीन्स थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो जो आपका कौन सा टॉर्क है, अप्लाइड टॉर्क है, वो मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम टॉर्क हमें चाहिए, तो थीटा यहां पर कितना करना है? 90 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू के बी एन ए साइन 90 हो गया, 1 हो गया वो, एंड दिस इज व्हाट? फाइव। राइट, तो यहां पर ये आई को क्या लिखा, आई को हमने लिखा यहां पर कोई कांस्टेंट होगा, एंड वी आर कॉलिंग दिस कांस्टेंट एज अ कैपिटल जी, एंड दिस इज व्हाट? फाइव। ओके, और इसी को हम लिख सकते हैं, देखिएगा जो हमने प्रिंसिपल में लिखा था कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, फाइव इज अ डिफ्लेक्शन ही है। यस, तो यहां पर जो ओवरऑल है इसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। समझ में आ गया बच्चों? अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन हो तो क्या होना चाहिए, अगर ये थिंग्स को कांस्टेंट रखें तो करंट हमें ज्यादा सप्लाई करना, एंड दिस इज द वर्किंग एंड इन दिस मैनर दिस गैल्वेनोमीटर विल वर्क, और ये सारी थिंग्स आपको समझना होगा। तो इन नेक्स्ट वीडियो विल जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंड वी विल अंडरस्टैंड सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।